हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स इन ट्रांजिट। सो आफ्टर रिलीजिंग 4 वीडियोस ऑफ जोधपुर सीरीज, नाउ इज द टाइम फॉर आवर फाइनल वीडियो, जिसका आई नो सबसे ज्यादा लोगों को इंतजार रहता है, एंड इट इज अबाउट द आइटिनरी। कब, कहां, कैसे और क्यों, ये चारों सवाल और इनके जवाब आपको इस वीडियो में मैं दे दूंगा, सो दैट आपको एक ही वीडियो में सारे जवाब मिल जाए। बट आई नो ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आपको बीच में आके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए टाइम तो मिलेगा नहीं, सो हिट द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड लेट्स बिगिन। जोधपुर यानी कि ब्लू सिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से 580 किलोमीटर दूर है और जयपुर से कुछ 350 किलोमीटर। जोधपुर पहुंचने के लिए आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती बिकॉज जोधपुर हैज़ इट्स ओन एयरपोर्ट, प्लस इट इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड और यहाँ हर सिटी से बसेस और ट्रेन्स की अच्छी अवेलेबिलिटी है। अब बात करते हैं कि जोधपुर में घूमने की बेस्ट जगह कौन सी है एंड वॉट शुड बी द राइट वे जिसमें आपको जोधपुर एक्सप्लोर करना चाहिए। नाउ आई विल रिकमेंड आप सबसे पहले जाके बाइक या स्कूटी रेंट कर लो, दैट विल कॉस्ट यू 300-500 रुपीस पर डे। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एक तो आप जब ब्लू लेन्स को एक्सप्लोर करने निकलोगे तो बहुत ही नैरो लेन्स में से आपको निकलना पड़ेगा जहाँ डेफिनेटली रिक्शा तो नहीं जा पाएगा। सेकेंडली यहाँ पे रिक्शा वाले आपको 1-2 किलोमीटर के लिए 100-150 रुपये चार्ज करते हैं फॉर वन वे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लीव फॉर ताजमहल। अरे पर वो तो आगरा में है ना। नॉट माई मिस्टेक, अगर मैं आपको बोलूँ देर इज अ ताजमहल इन जोधपुर एज वेल, आई नो यू विल बी सरप्राइज्ड। मैं भी हो गया था जब मैं जसवंत थाड़ा गया था और इसकी कहानी सुनी थी। इट्स अ ब्यूटिफुल मार्वल जिसको जसवंत सिंह सेकेंड के बेटे महाराजा सरदार सिंह जी ने उनकी मेमोरी में बनवाया था, लेकिन यहाँ के गाइड्स की माने तो वन ऑफ हिज वाइफ बिल्ट इट अलॉन्ग विद महाराजा सरदार सिंह इन हिज मेमोरी। तो वाइट मार्बल से बने होने के साथ साथ ये एक पुरानी मोहब्बत की भी निशानी है और यही कारण है इसको मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। यहाँ पे जोधपुर के सभी रूलर्स के सेनोटेप्स यानी छत्रियाँ बनी हुई हैं और रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स की छत्री भी यहीं बनी है। सो दिस प्लेस ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्रीमेशन ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिली। यहाँ का एंट्री टिकट फॉर इंडियंस इज ओनली 30 रुपीज़ और फॉरिनर्स के लिए भी मात्र 50 रुपये है। गाइड चार्जेस मैंने स्क्रीन पर डाल दिए हैं सो यू कैन चेक। और यहाँ के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप मेरी डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने आई बटन में डाल दिया है। अब यहाँ से यू कैन गो टू द सेकेंड प्लेस ऑन द लिस्ट विच इज़ अ स्टेप वेल। इट इज़ सेड कि 1740 में जोधपुर की महारानी तूर जी ने इसको बनवाया था लोकल्स को एक रिलायबल फ्रेश वाटर सोर्स देने के लिए और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम पड़ा तूर जी का झालरा। ये जगह अपने आप में ही एक वंडर है। यहाँ आप शांति से कुछ समय बिता सकते हो और यहाँ पर ही स्टेप वेल कैफे में बैठ कर लंच करते हुए इस व्यू के मज़े ले सकते हो। अब वक्त आ गया है उस जगह जाने का जिसकी वजह से जोधपुर को ब्लू सिटी बोला जाता है, यानी कि जोधपुर की वो ब्लू लेन्स को एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। अब ये सुनने में और बताने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये इक्वली टफ हो जाता है बिकॉज यहाँ के लोकल्स खुद ही इतने कन्फ्यूज हैं कि भाई आखिर वो फेमस ब्लू कॉरिडोर्स कहाँ हैं जिसने इंस्टाग्राम पे सबको जोधपुर जाने पर मजबूर कर दिया है। अब कोई कहता है ब्रह्मपुरी, कोई कहता है पचेतिया, बट ब्रह्मपुरी तो मत जाना, वहाँ कुछ खास नहीं है, लेकिन पचेतिया में आपको ब्लू लेन्स मिल जाएंगी। अब जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं लेकिन आप जानते हो कि जोधपुर को सन सिटी भी कहा जाता है। रीज़न बीइंग सन रेज हेयर आर वेरी शार्प, बहुत तीव्र है, जिसकी वजह से पुराने समय में यहाँ के लोग काफ़ी परेशान रहते थे। एज अ सॉल्यूशन ब्राह्मणों ने अपने घरों को सफ़ेद चूने से पेंट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन सन रेज में अल्ट्रा वायलेट रेज की प्रेजेंस से वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता था और रिएक्ट होकर येल्लो हो जाता था। इसका उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि अगर वो वाइट पेंट में नील मिला के पेंट करें तो वो कलर चेंज भी नहीं होता था विद टाइम और घर को अंदर से ठंडा भी रखता था।
वही ये ब्राह्मण के घरों को आइडेंटिफाई भी करता था। यही कारण है कि यहाँ आपको ज़्यादातर घर ब्लू कलर में दिखेंगे और ये ब्लू सिटी आज टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन पॉइंट बन गया है। लेकिन समय के साथ साथ लोगों ने अपनी मनमर्जी मुताबिक कलर से घर को पेंट करना शुरू कर दिया और अब आपको बहुत ही कम जगह ऐसी मिलती हैं जहां लाइन से सिर्फ नीले घर हों। नाउ द नेक्स्ट प्लेस ऑन योर लिस्ट इज समथिंग जिसको आप जब से जोधपुर आए हो तब से निहार रहे हो। 3 बजे तक यू शुड बी टारगेटिंग टू रीच मेहरानगढ़ फोर्ट। दिस प्लेस इज एन आर्किटेक्चरल मार्वल जिसको 1469 में राव जोधा जी ने बनवाया था। फ्रॉम द सिक्योरिटी परस्पेक्टिव उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम जोधपुर पड़ा। इस किले को शापित किला भी कहा जाता है। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसको घूमने के लिए आपको 2 से 3 घंटे मिनिमम चाहिए। यहाँ आके आप एक्सपीरियंस करते हो जैसे किसी टाइम मशीन में आपको ट्रांसपोर्ट कर दिया हो एक ऐसे एरा में जहाँ राजपूतों का इतिहास आज भी इन दीवारों में गूंजता है। यहाँ देखने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं जैसे फूल महल, मोती महल, शीश महल, दौलत खाना, झांकी महल। ऑल्सो देर आर 3 कैफेज इनसाइड द फोर्ट नेम्ड एज मेहरान कैफे, पालकी कैफे एंड द्वारा कैफे। साथ में यहाँ 2 बड़े-बड़े मंदिर भी हैं जिनमें से एक कृष्ण जी का मंदिर है और फोर्ट के दूसरे कोने में चामुंडा देवी का मंदिर है। साथ में यहाँ आपको ये तोपे आज भी मेहरानगढ़ की दीवारों पे ऐसे तैनात दिखेंगी जैसे जोधपुर शहर से आज भी इस फोर्ट को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ से आपको सनसेट देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ की डिटेल्ड वीडियो में मैंने ये सब कवर किया है जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अब बात करते हैं यहाँ की एंट्री फीस के बारे में। द एंट्री चार्जेस इज 200 रुपीज एंड ऑडियो गाइड इज 180 bucks, लिफ्ट वन साइड इज 50 रुपीज एंड फॉर गाइड इट इज 600 रुपीज। नाउ बाय द टाइम यू आर डन फ्रॉम हेयर इट विल बी नाइट। नाउ यू कैन आइदर सिट इन सम कैफे जिनकी जोधपुर में कोई कमी नहीं है और एल्स यू कैन कम बैक टू तूर जी का झालरा जहां इस टाइम आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग देखने को ज़रूर मिल जाएगा जैसे मुझे मिले ये 2 भाई जो लोकल्स थे और अक्सर यहां आके माहौल बनाते हैं तो आज मैंने भी थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर लिया। अब जोधपुर आए हो तो यहाँ का कुछ फेमस नाश्ता तो ट्राई करना बनता है। तो सबसे पहले आप चले जाओ घंटाघर, यहाँ पर 2-4 फोटोज़ क्लिक करा के गो टू शाही समोसा। दिस प्लेस सर्व्स बेस्ट समोसा, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ एक फॉरेनर कपल से मिला था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार समोसा खाया और 1 हफ्ते से रोज़ नाश्ते में यहाँ के समोसा खाते हैं। इसी के बाजू में यू कैन ऑल्सो ट्राई पालक पत्ता चाट। अब आई नो ब्रेकफास्ट में काफ़ी लोग लस्सी तो प्रेफर नहीं करते बट आप 2 दिन के ट्रिप में ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टू स्वीट लस्सी बट ये जोधपुर के मस्ट ट्राई फूड ऑप्शंस में आता है सो आई रिकमेंड दैट यू कैन कम टू मक्खनिया लस्सी। ये मक्खन मिला दो भैया इसमें पूरा। So today is going to be a lot of driving or riding. तो अगर आपने first day पे bike नहीं ली है तो second day के लिए I'll highly recommend. आज काफ़ी distance cover होने वाला है। So next place on the list is Umaid Bhavan Palace. अब आपने इस जगह का नाम ज़रूर सुना होगा फॉर इट्स lavish weddings and events, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की ग्रैंड वेडिंग या नीता अंबानी का बर्थडे बैश जिसमें सिर्फ 220 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। आओ थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ के बारे में। ये जो उमेद भवन पैलेस है 1929 में बनाना स्टार्ट किया था, 1944 में बना था। ऑलमोस्ट 3000 लेबर्स वर बीइंग यूज एवरी सिंगल डे फॉर 15 ईयर्स, तो आप लगा लो कितने मैन आवर्स लगे होंगे इसको बनाने में। एंड द किंग स्टिल लिव्स हियर, जो जोधपुर के राजा है वो यहाँ पर रहते हैं।
दैट इज़ हिज प्राइवेट रेसिडेंस विच इंक्लूड्स अप्रॉक्सीमेटली 53 रूम्स और ये पूरी प्रॉपर्टी में अराउंड 347 रूम्स हैं. सो 75% ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड इन अ फाइव स्टार प्रॉपर्टी जो आज ताज उसको मैनेज करता है. उम्मेद भवन का टिकट प्राइस है 50 रुपीज और गाइड आपको अलग से 150 रुपये देने होते हैं. ऑल्सो मैंने उम्मेद भवन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यू कैन चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ नेक्स्ट प्लेस ऑन द लिस्ट हैज टू बी मंडोर गार्डन्स. आई सजेस्ट कि आप मंडोर गार्डन्स अराउंड 4, 4:30, 5 बजे तक पहुँचें और अगर टाइम है तो इससे पहले आप जा सकते हैं बाल समंद लेक. अब मैं आपको बोलूँगा कि ये जगह आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो, एल्स यू कैन डेफिनेटली कम हेयर. बट माइंड इट, बाल समंद लेक एंड बाल समंद लेक पैलेस ये दोनों का रास्ता आगे जाके थोड़ा अलग हो जाता है. सो डोंट गेट कन्फ्यूज जैसे हम कन्फ्यूज हो गए थे और हम इन रूइंस में आके यही सोचते रहे कि क्यों यहाँ पर हम साथ साथ की शूटिंग हुई होगी. बट वो एक्चुअल में उस पैलेस में हुई थी जहां हम नहीं जा पाए. नाउ कम्स द 10th फाइनल एंड द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस ऑन द लिस्ट, जिसके बिना ट्रस्ट मी आपको जोधपुर का ट्रिप अधूरा लगेगा, और ये जगह है मंडोर गार्डन्स. सो नाउ वी एंटर्ड मंडोर गार्डन्स आ गए हम, जो कि सिटी से अप्रॉक्सीमेटली 10-12 किलोमीटर की दूर पर है. यहाँ पर शाम को आके आप यहाँ गार्डन्स एक्सप्लोर कर सकते हो. You can visit the temples जो सेंचुरी से आज भी यहाँ का इतिहास सुनाते हैं. दरअसल मंडोर मेहरानगढ़ फोर्ट के बनने से पहले राठौड़ की कैपिटल हुआ करता था और मंडोर को जीतने के लिए यहाँ अनेक युद्ध हुए हैं. यहाँ का पूरा इतिहास आपको यहाँ के लाइट एंड साउंड शो में एक्सपीरियंस करने को मिलता है, जो 6:30 बजे तो हिंदी में होता है और 7 बजे इंग्लिश में होता है. बाकी लास्ट की दोनों जगह के बारे में डिटेल वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. तो ये हो गई टॉप 10 प्लेसेस टू विजिट इन जोधपुर इन 2 डेज. लेकिन अब सवाल आता है कि जोधपुर कब आना चाहिए. तो आपको बता दूं कि जोधपुर को सन सिटी कहते हैं और ड्यूरिंग समर्स इट बिकम्स टू हॉट टू रेजिस्ट. तो बेस्ट टाइम टू विजिट इज फ्रॉम नवम्बर टिल फेब्रवरी. और इसी के साथ जोधपुर सीरीज़ यहाँ ख़त्म होती है. आई होप दिस वीडियो एडिट सम वैल्यू टू योर ट्रैवल प्लान्स. सो डोंट लीव विदाउट लीविंग अ कमेंट. आपका एक एक कमेंट मुझे एनर्जी देता है टू क्रिएट मोर कंटेंट. तो कुछ भी कमेंट करो बट ज़रूर करो. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल विच एक्चुअली नीड सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जगह पर एक नई सीरीज में एक अलग लैंडस्केप के साथ. तब तक टेक केयर, कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बिकॉज आप हो तो ही हम हैं. थैंक यू. तुझे ढूंढे सारा तेरे लिए मैं गाऊं.